नमस्कार, न्यू टू जर्मनी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सुरेखा तिवारी बेंगलोर से, और डॉक्टर सुरेखा तिवारी की अपनी एक प्रैक्टिस है जो 32 सालों से चल रही है। डॉक्टर सुरेखा तिवारी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आज हम बात करते हैं कि कोविड के समय जो हम सामाजिक अलगाव में रह रहे हैं, उसके मनोवैज्ञानिक रूप से क्या परिणाम और दुष्परिणाम हो सकते हैं। आइए आज हम डॉक्टर सुरेखा तिवारी से जानते हैं कि ये सामाजिक अलगाव हमारे जीवन में क्या ला सकता है। डॉक्टर सुरेखा तिवारी, आप कुछ हमें बताएंगे, इसके परिणाम हमेशा गलत ही होंगे या अच्छे भी हो सकते हैं? हर चीज में अच्छाई निहित है, देखने की नजर चाहिए। तो पहली बात तो एज अ डॉक्टर, पैंडेमिक एक बहुत अजीब सी बीमारी थी। बीमारी इतनी अजीब नहीं थी जितना कि उसके आसपास जो जुड़ा हुआ जितना डर, जितनी ज्यादा सब लोगों को संभावनाएं कि पता नहीं क्या क्या कर सकती है। मीडिया ने उसको हेल्प नहीं किया, ये कह के कि किडनी से लेकर आपके लंग्स तक, आपके हार्ट तक, आपके डाइजेशन में पता नहीं क्या क्या कर सकती है। तो पहले तो बीमारी का डर एक वजह थी। एक बीमारी है जो समझ नहीं आ रही है, जिसको कभी किसी ने किसके बारे में सुना नहीं, देखा नहीं, अचानक से क्या। अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा कि इतना ज्यादा डर था कि कई बार क्या डर हमारी अपनी जो सोचने की क्षमता है उसको भी कम कर देता है। तो जो जरा बड़ा कॉमन सेंस की चीजें थी, जो नानी दादी समझाया करती थी कि देखो मौसम बदल रहा है, थोड़ा सा बच के रहना, या मौसम बदलेगा तो बुखार आएगा, खांसी आएगी, जुकाम आएगी, तो जो छोटी सी विजडम हमारे पास भी थी वो भी काम नहीं करी, क्योंकि डर का बवाल बहुत बड़ा हो गया। तो सबसे पहले तो अलगाव तो बाद में आया, सबसे पहले तो बीमारी के इस भय को लेकर इतना ज्यादा लोग इतना चिंता में रहने लगे कि हमारे क्लिनिक में ऑलमोस्ट 80% ऑफ लोग जो थे वो एक छींक मारते थे तो अगले दिन क्लिनिक में आ जाते थे, ये कोरोना तो नहीं है। और बड़ी दिक्कत होती थी ये समझाने में कि आपको थोड़ा सा सहजता से काम लेना होगा, थोड़ा सा आपको धीरज रखना होगा, बट वो डर जो था वो उनको बहुत। अब इतने डरे हुए लोग जब घरों में बंद हो गए, तब सोचिए कि उसका क्या क्या असर हुआ होगा। सबसे पहले चीज, कितने सारे लोग आए जिन्होंने घर बदले। इसके पहले पति ऑफिस चले जाते थे, पत्नी घर में रहती भी थी, या बच्चे स्कूल चले जाते थे तो एक उनके पास समय होता था। तो अब एक छत के नीचे सारे, सबको अलग अलग कमरे चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि घर छोटे लगने लगे, एक तो वो साइज में छोटे लगने लगे, शायद फिर वो आवाजों में छोटे लगने लगे, क्योंकि किसी को किसी के साथ की इतनी आदत नहीं थी इसके पहले। सबको जी, अपने अपने स्पेस की आदत थी, वो अभी जो लोगों को इस आदत छोटे थी। छोटे हाँ, अभी लोगों को आदत थी कि हाँ ठीक है, आपको जब तक घर में रहना है, बच्चे के साथ रहना है, वाइफ के साथ रहना है, लेकिन ऑफिस जाएंगे तो भाई ऑफिस में फ्रेंड्स भी मिलेंगे, एक आधा सुट्टा भी मारेंगे, कभी किसी बॉस की बुराई भी करेंगे, और कुछ हल्के पल भी होंगे, काज मन नहीं कर रहा तो चलो आज नीचे तक चाय पीने चलते हैं टपरी पे, या शाम में गाड़ियां एक दूसरे के साथ बदल ली थी और कार पूल करके चलते हैं। तो कुछ भी करके एक ऐसी जिंदगी जो कि किसी और की जिंदगी से इंटरफेयर नहीं करती थी लेकिन उनकी अपनी भी थी, तो एक तो उसमें बड़ा फर्क पड़ा। दूसरा फिर वही जो हाउसवाइफ थी, अब सुबह डब्बा बांध के दे दिया फिर तो फ्री हस्बैंड हो भी गए। चले गए, बच्चे भी चले गए। फिर उसके बाद वो सोची थी कि अब मैं अपना कुछ कर पाऊं, अपना मैं या तो मैं टीवी देखूं, या मैं कुछ सिलाई बुनाई कढ़ाई शौक पेंटिंग, फ्रेंड से बातचीत पार्टी या कुछ भी है, तो वो करती थी। अब उसके अंदर क्या हुआ कि पति देव घर में है तो 11 बजे बजा दबा दिया, भाई एक कप चाय दे दो। सिचुएशन ऐसी है कि गलत कोई नहीं है, पति भी ठीक है कि घर में है तो कम से कम गर्म गर्म चाय तो मिल जाएगी, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आई, वहां प्रॉब्लम आई जब पत्नी चाय के 2 प्याले लेकर उनके कमरे में गई कि ये चाय हम तुम दोनों पिएंगे। वहां पति ने कहा कि जी आप ऐसा है कि आप बाहर चलिए, मेरी तो मीटिंग है, मैं तो अभी मीटिंग के साथ साथ चाय पीऊंगा। तो हमारे क्लिनिक में ऐसी बड़ी सारी महिलाएं हैं जिनको ये बड़ा डिपेंड हो, बताइए हमारे पति ऐसे हो गए,
उनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। जब पूछा कि अच्छा क्या हुआ, बोले मैं अच्छा खासा चाय बना के लेके गई थी, मुझे बाहर निकाल दिया, चाय अंदर रख ली, तो चाय की ज्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर क्या होता था, पहले हस्बैंड अपने नौकरियां, जैसे वाइफ भी वर्किंग है तो दोनों वर्किंग होते थे, तो जो काम होता था वो ऑफिस में निपटा के, और दोनों को इस चीज का आभास हमेशा होता था भाई वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखना है। तो घर में अपना ऑफिस का काम किया, लेकिन जब घर आए, वापस आए ऑफिस से, तो इस थॉट से आए कि नहीं अब मैं घर जा रहा हूँ तो मुझे घर में टाइम देना होगा, यहाँ तो कहीं जाना नहीं, किसी ने कहीं से आना नहीं। तो फिर जब वो, अब जब वो ऑफिस से छूटे, चाहे वो वाइफ थी या हस्बैंड थी या दोनों थे, अब उन्होंने ये छूटा कि अब मैं छूटा हूं तो अब तो मैं घर में हूं, तो घर में मैं अपना पजामा या निक्कर पहन के और थोड़ी देर में आराम करूंगा। तो वही पति जो पहले बहुत आराम से टाई लगा आके उतारते थे और कहते थे चलो आओ सामान लेने चले, तुमको सुबह से लेना था, या वाइफ बोली कि मैं भी ऑफिस से थकी आ रही हूँ, 1 घंटे में चाय पी के चलते हैं, अब वो ये हो गया तुम ले आओ मैं आराम करता हूँ, क्योंकि मैं आराम, वो कहती थी तुम ले आओ। ये भी झगड़े हमने बहुत सुने पैंडमिक में, हर जगह जाना किसी ने नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया। फिर एक जो सबसे बड़ी चीज हुई वो ये हुई, देखिए आप और मैं भी शो में अभी बैठे हैं, इसके पहले और इसके बाद में हम भी अपने अपने कमरों में बड़े आराम से बैठेंगे, है ना, कि वो होगा। लेकिन जब हम 24 घंटे घर में रहने लगे, जब हम 24 घंटे एक दूसरे की देख रेख में, जानकारी में रहने लगे, ऐसे बड़ी सारी चीजें थी, तुम सब्जी ऐसे क्यों काटती हो, ये फ्रिज के अंदर मूली कैसे सड़ गई, ये नींबू तुमने आधा निचोड़ा आधा क्यों रह गया, वो कहती थी कि तुम तो इतनी जोर जोर से बात करते हो, तुमने इसका बाथरूम की मतलब हम एक हाइजीन दूसरे मांगी। की प्राइवेट स्पेस में घुसने लगे। और प्राइवेट स्पेस, देखिए प्राइवेट स्पेस क्या, मैं यहाँ पे ना ज्यादातर पति पत्नी का एग्जाम्पल इसलिए लेती हूँ क्योंकि आजकल सामाजिक जो ढांचा है वो बहुत बदल गया, वाइफ भी काम करती है हस्बैंड्स भी काम करते हैं, तो दोनों के पास अपनी अपनी एक ऐसी जिंदगी है जिस जिंदगी में वो इंडिविजुअल्स भी हैं एंड कपल्स भी हैं। हैं, हाँ। अब क्या हुआ कि जब वो इकट्ठे 24 घंटे, और इंडिविजुअल्स हैं, हाई अचीविंग इंडिविजुअल है, तो इकट्ठे 24 घंटे रहने लगे, तो उनके एक दूसरे के काम करने की चीजों के अंदर घुसने लगे, ये तुम गैस क्यों नहीं बंद करती हो, ये आप जूते क्यों नहीं अंदर रखते हैं, या आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाते हैं, या बाथरूम की लाइट क्यों नहीं बंद करते हैं। तो धीरे धीरे पता लगा हमारे क्लिनिक के अंदर टेलीफोनिक काउंसलिंग के नाम पर इतने झगड़े होते थे कि अचानक इनको मेरे अंदर सारी कमियां नजर आने लगी। पति कहता था इनको अचानक मेरे से कहती है कि परफ्यूम लगा के घर में बैठो, आपके अंदर से बदबू आ रही है। फिर हमने समझाया कि भाई जब वो पहले जाया करता था तो वो आफ्टर शेव लगा के अपनी सेक्रेटरी वेक्रेटरी से मिलने जाता था, अभी वो अपनी बीवी से क्या मिलेगा। तो और इस सबके बीच में आप मानिए कि जो टमाटर बना ना सैंडविच में, वो बने छोटे बच्चे। बच्चों का क्या हुआ, सबसे पहले बच्चों का बचपन बहुत लिमिट हो गया, अपना खेलने जाना है तो मतलब ही नहीं है, स्कूल जाना है, फ्रेंड से मिलना है तो मतलब ही नहीं है। तो जहां तक बीमारी का वर्जन था वो तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार को भाई अच्छा है, सेहत रहे स्वास्थ्य रहे, लेकिन जो ज्यादा बड़ी समस्या हुई ये हुई कि अचानक दोनों माँ बाप सर के ऊपर 24 घंटे, कैसे पढ़ रहे हो ये मेरे पास। करो ये ना हाँ, एक मेरे पास एक लेडी आई, आप ये विश्वास जानिए मैं उनकी काउंसलिंग ले रही हूँ पिछले 3 महीने से, और बड़ी इंटेंसिव काउंसलिंग चल रही है, कि वो मैथ्स की क्लास में पढ़ता नहीं। हम क्या तुमको कैसे पता, बोली मैंने जाके देखा था टीचर कुछ पढ़ा रही थी, वो गेम खेल रहा था। हमने कहा अच्छा फिर क्या हुआ, कि नहीं उसने एग्जाम पूरा नहीं किया, उसके मैंने देखे थे असाइनमेंट्स पूरे नहीं हुए। बोला इसके पहले क्या उसने कभी ऐसा नहीं किया होगा, बस तो वो आपको कहती पता अब नहीं तो हाँ, अब क्योंकि पता चल गया तो अब वो पता चलना उस नन्ही सी 8वीं क्लास के बच्चे के लिए बवाल हो गया। है। एंड विश्वास जानिए उसने मुझे एक दिन, बेटे ने मुझे फोन किया, बोला आंटी मम्मी आपके पास समझने के लिए आएंगी, प्लीज आप उन्हें समझाओ ना, कि कभी कभी मन नहीं करता। मैंने तो सिर्फ उतना ही बोला, मैंने कहा बेटा प्रॉब्लम ये नहीं है, आप 100% सही हो, और आपकी मम्मा बहुत ज्यादा एंशियस हो गई है, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप वही करना जो आप कर रहे हो, आप सही हो, आप 12 साल के ही हो, आप 12 साल के ही रहो, आपको बड़ा नहीं होना है जल्दी।
फिर वो कहने लगा अब मम्मी क्या करती है, पहले तो अपने आप डांट डपट के खत्म कर लेती थी, अब पापा भी घर पे होते हैं। तो अब की दोनों डांट डपट फटाफट सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। अब पापा को भी कुछ करके दिखाना है कि भाई अब हम घर पे हैं तो हम भी बच्चे पालने में तुम्हारी मदद कर रहे थे। तो पहले बच्चों को कहते हैं अरे चल यहाँ छोड़, तेरी मम्मा तो गुस्सा कर रही। अब पिताजी भी कूदते हैं उसी लड़ाई में, तो वो पॉट पूरी भेल पूरी बन रही है बच्चों के भेजे की रियली बहुत तरस आता है। यहां तो बात हमने की अब एक परिवार के अंदर की, और दूसरा जो हमारा प्रश्न था वो था सामाजिक अलगाव का, उसके भी बहुत बड़े परिणाम हुए होंगे हाँ, क्योंकि तो अब हम ऐसा करते ना, इन्हीं एक लोगों को आप, इन्हीं कैरेक्टर्स को आप समाज में लेके जाइए। देखिए समाज इंडिविजुअल से बनता है और इंडिविजुअल्स ही समाज में जाते हैं। जी। अब यही इरिटेशन, यही अकेलापन, यही चिड़चिड़ापन लेकर पहले क्या होता था, जब इंडिविजुअल्स एक दूसरे से मिलते थे तो अब इंसान को इंसान चाहिए, इंसान को इंसान दिखता है तो उसको लगता है कि सब ठीक है। मैं बहुत जगह घूमने जाती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि जहां आपको दूर से भी आभास हो जाए कि यहाँ आबादी है तो वहां आप समो एक सेफ्टी फील करते। अब क्या हुआ, सड़कें सुनसान, बाजार बंद, कहने को सब कुछ उपलब्ध है, आप एक ऑनलाइन पे कुछ भी मंगा सकते हैं, आज फ्रिज से लेकर बंदा तक मंगवा सकते हैं, शादियां हो रही है ऑनलाइन। लेकिन जो आपने को एक एक मुझसे किसी ने कहा कि जब मैंने पहली बार किसी को हग किया तो मुझे समझ आया कि अरे मैं कितना ह्यूमन टच को तरस गई थी। किसी ने मुझसे कहा कि मुझे उस दिन, मैं पार्क में गई, मुझे कोई नहीं मिला, माली पौधों को पानी दे रहा था तो मैंने उसको ही पूछ लिया भैया कैसे हो, तो वो माली बोला बोला शुक्र है कि किसी की आवाज सुनाई दी है, क्योंकि पौधों को तो ध्यान रखना ही था तो मैं रोज पानी देने आता था। इसी तरह से हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनको नींद आनी बंद, हाँ पूरा जो आपका दिन भर की दिनचर्या थी वो खराब होने लगी। तो अब ये लोगों ने क्या करना शुरू किया, रात को अपने फ्रेंड्स को फोन या पड़ोसी को फोन, भाई हम जग रहे हैं, तुम भी जग रहे हो, चलो आओ गप्पे मारते। तो मैंने सुना कि समाज के अंदर जूम पार्टीज हो रही है, अपने अपना बियर की बोतल लेके बैठ जाओ और स्क्रीन पे एक दूसरे को दिखते रहो कि चलो हम पार्टी के नाम पे तो पार्टी कर रहे हैं। तो ऐसे करके अगर हम देखें तो देखिए ये डाउन साइड है, इसकी मैंने अपसाइड भी देखी। मैंने अपसाइड इसकी ऐसे देखी कि जो लेडीज पहले सिर्फ घर में रहती थी, और शुरुआत कैसे हुई, हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे चार घरों में, वो चार घर बंद कर दिए बैंगलोर महापालिका ने कि भाई इनको कोविड है, तो उन लोगों ने लिखा कि भाई हम लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे घर में सब्जियां नहीं। तो पहले किसी ने ऑफर किया कि मैं अपनी सब्जी खरीदूंगी तो आपके घर कच्ची सब्जी बाहर है, फिर किसी ने ऑफर किया कि मेरे घर में तो बनेगी, मैं तुम्हारे यहाँ पकी हुई सब्जी बाहर रखूंगी। फिर किसी ने ये आइडिया दिया कि अभी तो 15 दिन का क्वारंटाइन है तो 15 दिन थोड़ी ऐसे को, तो एक काम करते हैं चलो सब लोग मिलजुल के इनको पूरी मील सर्व करनी शुरू करते हैं। अब वो बढ़ते 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 इतना प्यारा सा एक बिजनेस मॉडल बन गया है कि जो लोग हमारी कम्युनिटी में खाना बनाते हैं वो ऑफर करते हैं कि आज मेरे घर में मटर पनीर है, ये 50 रुपए का है, आप जिसको चाहिए वो खरीद के ले जा सकते। तो वो धीरे 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 जो उनकी किचन के मेरिट्स थे, जो किसी ने कभी पहचान ही नहीं, उन्होंने खुद भी नहीं जाना कि वो कुछ कर सकती, उसका वो यूज करने लगी। दूसरा बहुत बड़ा इसका मैंने बेनिफिट देखा, ऑनलाइन शॉपिंग। देखिए रिटेलिंग जो रिटेल स्टोर्स थे उनको तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जो ऐसी ऐसी लेडीज थी जिनके हाथ में बड़ा हुनर था कि रुमाल काटती हैं, उन्होंने उनको एक ऑनलाइन के ऊपर पेस्ट कर दिया कि मैं ऐसे पर्सनलाइज रुमाल भी बना सकती हूँ, मैं किसी ओकेजन के लिए बना सकती हूँ, मैं सेट्स भी बना सकती हूँ, आप लोग कहें तो। ऑनलाइन में ऐसी ऐसी लेडीज वर्किंग एरिना में उतरी जिन्होंने खुद अपने बारे में भी नहीं सोचा था कि वो कुछ ऐसा कर पाएंगी। ऐसा तीसरा हुआ क्यों? क्योंकि उनके पास खाली समय था, खाली बहुत समय था, में उन्होंने सोचा, और और उसके पहले दूसरा, हाँ मेरे हिसाब से एक और चीज भी है, अकेलापन और एकाकीपन अलग अलग होता है। है। हाँ, अकेलापन वो है जिसको हम लोनलीनेस बोलते हैं इंग्लिश में, इसके शब्द बड़े प्यारे, और एकाकीपन मतलब सॉलिट्यूड। जब आप अकेले में सोचते हैं और आप अकेले में, हम सबके पास एक बहुत ही प्यारा सा मासूम सा मन होता है, अकेले में वो मन ऐसा ऐसी शांति पहले लोगों को नहीं मिली।
पहले इतना सारा जीवन भरा हुआ था, हर समय कुछ ना कुछ लाना है, कुछ करना है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कि सोचने का, पीछे बैठ के देखने का, अपने आप को सब वो देखने का टाइम नहीं मिलता था। क्रिएटिव नहीं हो पाते थे पहले, और ये दुष्परिणाम था अगर देखा जाए तो हमारे समाज, हम समाज में ही वो व्यस्त सामाजिक रहते थे। धर्म का था, बिल्कुल वो सामाजिक धर्म का दुष्परिणाम था, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो यहीं पे, वही मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रही हूँ, कि मैंने अपनी उसमें लाइफ में देखा, लोग वो किताबें पढ़ने लगे जो पहले कभी ला के रखे थे पर समय नहीं पाते थे। फिर जैसे एक हमने देखा, किसी ने हमने कहा क्या कर रही है भैया, हमारी हर वेंसडे को गीता क्लास होती। बोले ये कब शुरू करी? बोले वो पैंडेमिक था, पहले ये हुआ करता था कि जाना है तो जाने में लोग आलस करते थे, लेकिन अब क्योंकि घर से लेनी होती है तो रेगुलर हो गए, और अब हम लोग पहले 18 लोग चालू हुए थे, अभी हम लोग 52 लोग, तो बहुत ऐसे अच्छा, करके धीरे बहुत, मतलब अच्छे भी धीरे। परिणाम निकल के आए हैं। हाँ और मेरे ना अंजना जी, एक हिंदी में बड़ी अच्छी कहावत है, केवल मूर्ख और मुर्दे अपना विचार नहीं बदलते। तो उस टाइम बिल्कुल सही कहावत है, क्योंकि मूर्ख को आदमी क्या समझाए और मुर्दे को तो कुछ सुनाई नहीं पड़ना है। पड़ेगा, हाँ इस पैंडेमिक ने लोगों को उस बदलाव के लिए मजबूर कर दिया जो वो कभी सोचते भी नहीं थे कि वो बदलेंगे या बदलने की उन्हें जरूरत पड़ेगी। और एक जब वो बदले तो उन्हें लगा, हमने ये पहले क्यों नहीं किया? लेकिन एक प्रश्न है सुरेखा जी मेरे पास, जो कि शायद हम सब देखते होंगे, और यूरोप में कुछ मुझे लगता है कि यहाँ पे आजकल कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है, कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हर कोई बहुत स्ट्रेस में है, और वो बड़ी जल्दी ही 0 से 100 में पहुंच जाता है। ऐसे केस में आदमी क्या करे? मुझे लगता है कि जैसे जब मैं बाहर निकलती हूँ मैं बड़ी शांत होती हूँ, जैसे घर में वैसे बाहर, मुझे कोई इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और मैं जब बाहर जाती हूँ मुझे लगता है कि सुपरमार्केट में या कहीं भी लोग इतनी जल्दी, मतलब छोटी छोटी बातों पे एकदम उलझ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे आप कैसे रिएक्ट करें अगर आपके साथ हो रहा हो कि दूसरा बंदा है बहुत जल्दी उखड़ रहा है छोटी सी बात को लेके, या कोई भी बात नहीं है तो भी, ऐसी जगह पे लोग कैसे अपने आप को संभालें या दूसरे? देखिए, बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म सबसे पहला और सबसे जरूरी सिखाता है कंपैशन, एक दूसरे के प्रति सद्भावना। अगर हम इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, लोहे को लोहा काटता है, हमने सबने सुना, लेकिन कटने वाले लोहे को पहले गर्म किया जाता है और काटा उसे ठंडे से जाता है। हाँ ये गर्म वैसे और ठंडे जी। का फर्क है। तो अगर हम किसी को देख रहे हैं कि ये बहुत गुस्से में है, ये इस वक्त अपने आपे से बाहर है, तो उस वक्त उसको कुछ भी कहना, कुछ भी उसके साथ करना, ये समझना है कि वो एक बहरा इंसान है उस वक्त। जी अगर आप देख रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, जो मैंने बाहर से देखा है खुद भी, वो दिखते नहीं है बाहर से कि वो गुस्से में है या जो कुछ भी है, लेकिन जो मैं समाज में देख रही हूँ कि आजकल लोग जब बाहर होते हैं ना तो बड़े स्ट्रेस में होते हैं, बहुत जल्दी उखड़ से जाते हैं। तो कैसे हम अपने आप को एकदम कूल डाउन तरीके से बाहर और अंदर दोनों जगह अपने आप पे नियंत्रण कैसे पाए? बहुत कम लोग सबसे ऐसे पहले होते हैं। तो आई थिंक आपके जैसे शोज के थ्रू, जिसमें लोग ये समझे कि वो अगर इस नए जमाने में, ये जो जमाना हमें दिया गया है, इस नए जमाने में वो अकेले नहीं है, सब कोई इसी दौर से गुजर रहा है। पैंडेमिक की बड़ी खूबसूरती है, अगर आप देखें, क्या जी आपके घर में काम करने वाली भाई और क्या आपके ऑफिस का बॉस, सबको एक तरह से एक बिल्कुल समतल लेवल पर जी आकर जीना पड़ा। सबको वही अकेलापन, सबको वही एकाकीपन, सबको वही अपॉर्चुनिटीज, सबका लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सबका सेम था, क्योंकि भय बहुत बड़ा था। जी ये जो लोग हैं जो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, ऊपर से शांत हैं लेकिन अंदर से उबल रहे हैं, ये एक्चुअली वो लोग हैं जो कि अपने गुस्से को जाहिर करने में डर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ पाया। एक हम लोग हिंदी में वो कहते हैं आत्म मंथन करो, हम्म
लेकिन आत्ममंथन करने के लिए भी शांति चाहिए। अगर चारों तरफ शोर हो रहा हो तो आप चुपचाप शांति से नहीं बैठ सकते। अगर जी आपको कोई इंसान आपके आसपास ऐसा नजर आता है जो आपको लगता है कि ये बहुत परेशान है और ये कह नहीं पा रहा है, लेकिन इसके अंदर गुस्सा और आक्रोश भरा हुआ है, और अगर आप रियली चाहते हैं कि उनकी मदद हो, तो उन्हें ये मत कहिए कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है मैं देख सकती हूँ। उनसे सिर्फ ये कहिए, कोशिश करो कि दिन में 1 घंटा तुम थोड़ी देर के लिए घूमने जाया करो अकेले, और अच्छा हो तो अपना मोबाइल घर छोड़ो। अगर तुम फिर बाहर कुछ नहीं जा आत्ममंथन सकते, करना हाँ शुरू कर देंगे अकेले में। बहुत अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर सुरेखा। अब हमारा समय थोड़ा खत्म हो गया है, कम लेकिन अगली पड़ना बार हम फिर से मिलेंगे। समय का भी नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत हम उस पे नहीं कंट्रोल रखेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हमारे साथ भी लागू होता है। मैं तो पूरे दिन आपके साथ बैठ के बात कर सकती हूँ, मैं लेकिन भी बिल्कुल एक सीमा है। तो हम आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, और आप सबको एक बार फिर से मैं विनती करती हूँ आप सबसे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे बिल्कुल बढ़ाएं। अगर आपको ये वार्तालाप हमारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उनको भी सुनाएं। हो सकता है कहीं किसी की इस रूप में भी मदद हो जाए जो हमको आपको नहीं पता होती है। कई बार लोग बिल्कुल बताते नहीं है अपनी प्रॉब्लम, लेकिन आप उन तक पहुंचाएं और हमसे जुड़े रहें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी समय और यहीं पे। धन्यवाद डॉक्टर सुरेखा। बिल्कुल।